आप सबको पता ही है कि यूजीसी ने जेआरएफ की परीक्षा जून 2022 के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली है। तो यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी मैंने भी की थी और मैं उसमें क्वालिफाई भी हुआ था। तो यूजीसी नेट की तैयारी करते समय मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो वह मैं नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और इसी नोट्स की सहायता से, चूंकि मैंने सफलता प्राप्त की है, तो मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप लोग भी इस नोट्स का लाभ उठाएंगे। मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैं अभी पूरा सीरीज चलाऊंगा जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती। यूजीसी नेट के मेरे जितने भी नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को इस चैनल में उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दे ताकि प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आज जो मैं नोट्स लेकर आया हूँ, यह पहला भाग है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो स्त्री विमर्श है और जो दलित विमर्श है। स्त्री विमर्श से क्या तात्पर्य होता है? जिसमें महिलाओं की इच्छाओं, आकांक्षाओं, उनकी समस्याओं, उनके जज्बातों का वर्णन किया जाता है, मतलब उनके बारे में विचार विमर्श होता है, तब उसे कहा जाता है स्त्री विमर्श। तो उससे संबंधित जो प्रमुख रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं, उनका विषय मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने कौन सी उपन्यास लिखे हैं, कौन सी कहानियां लिखी हैं। इसी प्रकार दलित विमर्श, दलित विमर्श के क्षेत्र में जो दलित समुदाय है उनकी आकांक्षाओं को, उनके दुख दर्द को, उनकी पीड़ा को अभिव्यक्ति मिलती है। तो ऐसी भी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और उनके रचनाकार हैं, उनके कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, और जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से कम दो तीन चार पांच क्वेश्चन आपको वहां पर परीक्षा में मिल ही जाएंगे। तो इसको आप शब्दशः याद कर लें, पूरी तरह आप इसको याद ही कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महिला कथाकारों की प्रतिनिधि कहानियां। जो महिला लेखिकाएं हैं, जो हमारी लेखिकाएं हैं, उनकी प्रतिनिधि कहानियां कौन सी है ना? ये वास्तव में ये सब कहानी संग्रह ही है, जिनके नाम दिए गए, एक एक नाम दे दिए गए, लेकिन वास्तव में कहानी संग्रह है। तो कौन कौन सी प्रतिनिधि रचनाएं, देखते हैं। इसको आप बिल्कुल शब्दशः याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में इसमें से आपको पांच छह क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। सबसे पहला है कृष्णा सोबती। मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया यारों के यार। ये उनकी बहुत ही प्रतिनिधि रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, परीक्षा में प्राय आता है। मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, रानी माँ का चबूतरा। एक फिल्म आई थी, आपने देखी होगी, रजनीगंधा। हाँ, रजनीगंधा फूल तुम्हारे, है ना, महके अनुरागी मन में, रजनीगंधा नाम की जो फिल्म थी, ये यही सच है इस कहानी पर आधारित है। ये आप ध्यान में रखें, इस कहानी पर यह आधारित है। रजनीगंधा फिल्म यही सच है कहानी पर आधारित है। इसमें अमोल पालेकर थे और एक हीरोइन की नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कोई सिन्हा करके हीरोइन थी। उसके बाद उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी वापसी, प्राय परीक्षा में आता है वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल, ये भी इनके इनके कहानी संग्रह है। ममता कालिया, बोलने वाली औरत, मुखौटा, उसका यौवन, ये इनके प्रसिद्ध कहानियां कहानी संग्रह है। मृदुला गर्ग, डेफोडिल जल रहे हैं समागम, मेरे देश की मिट्टी आह। यह डेफोडिल जल रहे हैं या कई बार पूछा जाता है, लेकिन आपको याद पूरा करना है। इसके बाद है चित्रा मुद्गल, लाक्षागृह, इस हमाम में, एवं 11 कहानियां, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। यह जो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं यह प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको सब याद करना है जो मैं बता रहा हूं। इसके बाद राजी सेठ, अंधे मोड़ के आगे, तीसरी हथेली, गमे हयात ने मारा। यह तीसरी हथेली को भी प्राय कई बार पूछा जाता है। मंजूर भगत, आत्महत्या से पहले, सफेद कौवा, अंतिम बयान। आप पिछले 10 वर्ष के प्रश्न पत्र जरूर देख लें, और इसमें मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने आपको बताया कि यूजीसी परीक्षा नेट जेआरएफ की तैयारी हिंदी साहित्य के साथ आप कैसे करें। तो इसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप जरूर देखें।
इसके बाद मेहरुन्निसा परवेज, आदम और हवा, टहनियों पर धूप, इनके कहानी संग्रह हैं। मैत्रेयी पुष्पा, चिन्हार, लल मुनिया, गोमा हस्ती है, ये गोमा हस्ती है कई बार आ चुका है परीक्षा में। इसके बाद नासिरा शर्मा, इनकी दोनों ही रचनाएं परीक्षा में प्राय आती है। खुदा की वापसी, दूसरा ताजमहल, इनकी दोनों प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये दोनों रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी हमने देखा महिला जो कहानीकार है उनकी कहानी संग्रह हमने देखा, अब हम देखते हैं कि उनके उपन्यास कौन कौन से हैं, है ना। तो निश्चित रूप से ये महिला लेखिका या महिला कथाकार है तो यह स्त्री विमर्श से संबंधित होगी, क्योंकि स्त्री की पीड़ा को, उसके दुख दर्द को, उसकी खुशी को, उसके गम को एक महिला बहुत अच्छे से समझ सकती है और उसको लिख सकती है। तो महिला कथाकारों के जो उपन्यास हैं, नासिरा शर्मा, सात नदियां एक समंदर, अक्षयवट, सीधा प्रश्न आता है या तो आपको जोड़ियां मिलाने के लिए दिया जाएगा इस लेख, मतलब एक तरफ लेखिकाओं का नाम रहेगा और दूसरी तरफ पूरे इनकी रचनाओं के नाम रहेंगे, लेकिन एक तरफ चार लेखिका का नाम रहेगा और दाएं तरफ पांच रचनाएं दे दी जाएंगी, या वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। तो अब आप देखिए, एक तरफ चार ऑप्शन है, एक तरफ पांच ऑप्शन है, तो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लें। और आप देखेंगे बाद में, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे चैनल पर आकर उत्तर मिलाए, इसलिए याद ही कर लें। मैत्रेयी पुष्पा, बेतवा बहती रही, इदन्नमम, चाक, अलमा कबूतरी, ये इनकी रचनाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये सब परीक्षा में आती हैं। अलका सरावगी की दोनों रचनाओं को कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कली कथा वाया बाईपास और शेष कादंबरी, दोनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती है। मृदुला गर्ग की दोनों ही उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है, चित कोबरा और कट गुलाब, ये दोनों ही उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है और प्राय परीक्षा में पूछा जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूं, क्योंकि परीक्षा सिर्फ आपको 1.5 माह बचा हुआ है, अभी 15 दिन आपके अप्रैल के महीने में बचा हुआ है आपके पास लगभग, और आपके पास 1 माह मई का महीना है, क्योंकि जून फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में आपका एग्जाम होगा। तो मैं सिर्फ जो मेरे नोट्स हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर मैं आपके साथ आ रहा हूं, और यह पहला भाग है। मंजुल भगत अनारो, कई बार पूछा गया है, उषा प्रियवदा रुकोगी नहीं राधिका, यह इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। चंद्रकांता कथा सतीसर, ये सारी रचनाएं पूछी जाती है परीक्षा में कि यह किन की रचना है। चंद्रकांता कथा सतीसर, ममता कालिया, एक पत्नी के नोट्स, राजी सेठ, तत्सम, चित्रा मुद्गल, आवा, एक जमीन अपनी, तो ये चित्रा मुद्गल के जो ये दो उपन्यास हैं बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं, ये आप याद कर लें। प्रभा खेतान की पीली आंधी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, जो परीक्षा में प्राय आता है, पीली आंधी। कृष्णा सोबती का फिर सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ये भी बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। मन्नू भंडारी का आपका बंटी और महाबोझ, आपका बंटी का विषय वस्तु है कि जब पति पत्नी में तलाक हो जाता है तब बच्चे का क्या प्रभाव पड़ता है, और महाभोज क्या है, राजनीतिक उपन्यास है, तो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। नमिता सिंह, अपनी सलीबे, तो अभी तक हमने देखा कि महिला कथाकारों की कौन कौन सी कहानियां हैं और महिला जो उपन्यासकार हैं उनके कौन कौन से उपन्यास हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं को लेकर मैं आया हूं जो परीक्षा में प्राय आती है, और उन प्रश्न पत्रों को देखकर ही मैंने इसको तैयार किया था अपने समय में। पिछले 10 साल का प्रश्न पत्र देख लीजिए तो ये रचनाएं आपको वहां पर जरूर नजर आएंगी। और आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन नोट्स लेकर आऊंगा। अब स्त्री विमर्श से संबंधित प्रमुख उपन्यास और उनके लेखक लेखिका, तो खाली महिलाओं ने अभी तक उन्हें महिला लेखिकाओं के बारे में देखा, लेकिन अब मैं पुरुष जो लेखक हैं उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ है स्त्री विमर्श से संबंधित, कुछ प्रमुख उपन्यास और उनके लेखक लेखिका, ये भी स्त्री विमर्श से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर पुरुष मतलब लेखक भी हैं, यहाँ पर लेखिका दोनों हैं। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा का यह उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, बहुत ही एक महत्वाकांक्षी जो महिला थी उसके उसकी कहानी है। वसंती, भीष्म साहनी, अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर, बिना दरवाजे का मकान, राम दर्श मिश्र, एक जमीन अपनी, चित्रा मुद्गल,
बेतवा बहती रही मैत्रेयी पुष्पा। तो ये स्त्री विमर्श से संबंधित यहाँ पर मैंने दोनों रचनाकारों को दिया है, मतलब लेखक को भी और लेखिकाओं को भी। ये सभी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो परीक्षा में प्राय आते हैं। इसके बाद ये कंटिन्यूएशन में है, स्त्री विमर्श से संबंधित प्रमुख उपन्यास और उनके लेखक और लेखिका, थकी हुई सुबह, राम दरश मिश्रे, इनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचना है थकी हुई सुबह। आठवां कीर्ति कथा कश्मीरी लाल, कीर्ति कथा कश्मीरी लाल। चाक मैत्रेयी पुष्पा, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है चाक। रंगी हुई चिड़िया धर्मेंद्र गुप्त, धर्मेंद्र गुप्ता जी के उपन्यास है रंगी हुई चिड़िया। अपनी सलीबे नमिता सिंह, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षा में आता है। अभी तक हमने देखा स्त्री विमर्श, स्त्री विमर्श में हमने देखा महिला कहानीकार, महिला उपन्यासकार और लेखक, मतलब पुरुष, पुरुष लेखक, लेखक है तो पुरुष ही होगा। तो लेखक और लेखिकाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं दलित विमर्श। दलित विमर्श से तात्पर्य है दलितों की समस्याओं का जिसमें उल्लेख किया जाता है, इस पर विचार विमर्श किया जाता है, उनकी आकांक्षाओं, दुख, दर्द, पीड़ा को अभिव्यक्ति मिलती है, उसे हम कहते हैं दलित विमर्श। दलित विमर्श से संबंधित प्रमुख कहानी संग्रह उनके कहानीकार, अभी मैं कहानी के बारे में विषय में बता रहा हूं, उनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कहानी संग्रह है सब। रक्त बीज, सत्य प्रकाश, रक्त बीज है इनके रचना का नाम है रक्त बीज, सत्य प्रकाश ये जो है ये लेखक है, है ना। तो दाएं तरफ जो मैं लिखा हूं वो उनके लेखक हैं, ये कहानीकार कह सकते हैं, दाएं तरफ कहानीकार है और इधर रचनाएं हैं ना, इस तरफ क्या है कहानी, इधर आपको मिलेगा कहानी। अब यह दृष्टिकोण अरविंद राही, फिर सलाम ओम प्रकाश वाल्मीकि, कई बार परीक्षा में आया सलाम। चार इंच की कलम कुसुम वियोगी, सुरंग दयानंद बटरोही, इनकी कहानी संग्रह है। आवाजें मोहनदास नैमिष राय, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है इनकी। इसके बाद दलित विमर्श से संबंधित प्रमुख उपन्यास और उनके उपन्यासकार, इसके पहले हमने जो देखा वो कहानी संग्रह था और ये उपन्यास है। तो ये पहला है जस तस भाई सवेर, है ना, दलित विमर्श पर आधारित बहुत ही प्रमुख उपन्यास है सत्य प्रकाश जी की, जस तस भाई सवेर सत्य प्रकाश। इसके बाद छप्पर जय प्रकाश करदम, इसके बाद जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, आप देखेंगे प्रश्न पत्र उठाकर। मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिष राय। तो इस तरह आज हमने देखा महिला कथाकारों की कहानियां, उनके उपन्यास, लेखकों की कहानियां और उपन्यास, उनके उपन्यास दलित स्त्री विमर्श के संबंध में, और दलित विमर्श के संबंध में कहानीकारों की कहानियां और उनके उपन्यास। तो यह मेरा पहला एपिसोड था और आगे ये प्राय परीक्षा में आ चुके हैं, वो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और ऐसा ही बेहतरीन नोट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा। और अंत में एक और गुजारिश है मेरी कि इसमें जो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि UGC नेट JRF की तैयारी कैसे करें, उसमें मैंने पूरे विस्तृत रूप में विस्तार से बताया है, तो उसको जाकर जरूर देखें। और आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।